एक दिन मैं और ऐश नेदर गए थे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने, जिससे हम अपने लिए एक नेदराइट का आर्मर बना सके। लेकिन 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 लास्ट में एक ट्विस्ट हो गया। हमें पता चला कि नेदराइट का आर्मर बनाने के लिए एक और चीज होना कंपलसरी है, जो कि है स्मिथिंग टेम्पलेट, जिसे हासिल करने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा बेशन, जो कि हमें मिलेगा नेदर में। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर द एडवेंचर? ऐश, तू रेडी है नेदर में जाने के लिए? हाँ, मैं हमेशा रेडी हूँ। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता नेदर। सच में बोलो ना, डर लगता है? हाँ भाई, सच में बोल रही हूँ, डर लगता है। अरे डरो मत, मैं हूँ आपके साथ, आप मेरे साथ रहना। वही करना ही पड़ेगा, चलो चलते हैं नेदर में। चलो। सो गाइस, मैं तो आ गई नेदर में, लेकिन ये देखो, ऐश वाज स्लेन बाय पिगलिन। लगता है ऐश ने कुछ गोल्ड का पहना नहीं था, इसलिए। चलो हम भी चलते ओवर वर्ल्ड में, देखते ऐश क्या कर रहा है। क्या हुआ ऐश? अरे इसने मेरा आर्मर चुरा लिया। बेचारा ऐश भाई, एक तो पिगलिन ने मार भी दिया और आर्मर भी चुरा लिया। चलो ये सब जल्दी खत्म करो, चलते हैं नेदर में। सो गाइस, हम वापस से आ गए अपने नेदर में, और अपने नेदर का जो स्पॉन है वो एकदम बेस्ट है, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी खतरनाक मॉब नहीं मिला है। सो दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर अस। बट फिर भी है तो ये नेदर, इसलिए हमें संभल के जाना पड़ेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमें किसी भी खतरनाक मॉब के दर्शन ना हो। बाकी सब ठीक है, लेकिन अभी हमें ध्यान देना है अपने टास्क पर, जो कि है बेशन को ढूंढना और उसे लूट के स्मिथिंग टेम्पलेट हासिल करना। तो चलो बेशन ढूंढते हैं। गाइस ये देखो, कितनी सही जगह है, एकदम सेफ, यहाँ पे कोई मॉब्स वगैरह नहीं है। ऐसी जगह मिलती रही तो हम इजीली बेशन तक पहुँच जाएंगे। एंड ये देखो, ऐश के पीछे फिर से पिगलिंग लग गए। गाइस लगता है ऐश ने गलती से फिर से इनको हिट कर दिया। एंड तीन तीन पिगलिंग ऐश के पीछे। क्या लगता है ऐश अपनी रक्षा कर पाएगा? क्या मैं ऐश की मदद करने जाऊँ? जान दो, मैं अपने एक्सपे बढ़ा लेती हूँ। गाइस अब पिगलिंग की संख्या बढ़ के चार हो चुकी है, चारों ऐश के ऊपर हमला कर रहे हैं। और यहाँ से व्यू नहीं दिख रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। वाह, क्या बेस्ट व्यू है। और अपने शील्ड और तलवार के मदद से ऐश ने भी पिगलिंग्स पे हमला बोल दिया है। क्या लगता है कौन जीतेगा? ऐश ने ऑलरेडी तीन पिगलिंग्स को हरा दिया है, एक ही पिगलिंग बचा है जो कि ऐश को देख के भाग रहा है, और वो भी खत्म। और इस मैच का विजेता है ऐश ब्लास्ट। विजेता विजेता छोड़ो, मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे? अरे तू इतना प्रो है, तुझे मदद की जरूरत ही कहाँ है? ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम निकले थे बेशन ढूंढने, बेशन तो अभी तक मिला नहीं, लेकिन ये घास मिल गई है। मेरे पास वो है, मैं ट्राई करती हूँ इसे मारने का। ओ गाइस, मैंने पहली बार घास को मार दिया, लगता है मैं प्रो हो गई हूँ। और यहाँ पे एक और घास आ गई गाइस, इसे भी मारते हैं। एंड ये घास भी खत्म गाइस, लेट्स गो। हमने आते ही दो दो घास को मार दिया, हम प्रो हो गए। एंड ऐश यहाँ पे ब्रिज बना रहा है ताकि हम उस तरफ सेफली जा सके, लेकिन यहाँ पे बहुत संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हुई तो हम सीधा लावा में, हम भी जाएंगे और हमारा सामान भी जाएगा, इसलिए अच्छे से जाना पड़ेगा। इस बार तो हम आ गए गाइस, लेकिन यहाँ पे भी बेशन का नामो निशान नहीं है। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, अभी भी हमें यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ मिल जाए। बेशन तो अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन फॉर्चुनेटली हमें एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया, जहाँ पे ये एक चेस्ट इस देखते हैं। गाइस यहाँ पे इतनी ज्यादा खास लूट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे रख लेते हैं। ओह ये क्या है? अच्छा ये ब्लेज है गाइस, इससे हमें बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि नेदर फोर्ट्रेस में हमें ये मिल सकती है। वो देखो वहाँ पे एक चेस्ट, लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ पे कुछ मॉब्स है, इन्हें देखना पड़ेगा। ऐश जल्दी से यहाँ पे आ जा, देख यहाँ पे मॉब्स है, ब्लेज भी है यहाँ पे, स्केलेटन्स भी है, सबको मारना पड़ेगा। आई थिंक सारे मॉब्स खत्म हो गए। नहीं अभी भी है, यहाँ पे शेडल है, शेडल है हमारे पास ऑलरेडी, इतनी जरूरत नहीं है। गाइस ऐश मर गया स्केलेटन से, ऐश मर गया तो हम कौन है भाई, हमें भागना पड़ेगा, हम भी मर जाएंगे। ऐश के आने तक हमें सेफ रहना पड़ेगा, कहीं छुपना पड़ेगा। लेकिन ऐश का जो सामान वहाँ पड़ा है उसे हमें अच्छे से किसी चेस्ट में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो डिस्पॉन हो सकता है। ठीक है हम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी भी मॉब से, ऐश का सामान रखने के लिए इन्हें पहले मारना पड़ेगा, लेकिन मैं इनको इजीली मार सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक लगे, ये मेरे तक पहुँच नहीं सकते, इसलिए इनको हम मार देते हैं और ऐश का सामान रख देते हैं। वो ऐश फिर से पिगलिंग द्वारा मारा गया, लगता है स्केलेटन भी चला गया, अब हम यहाँ जा सकते हैं। नहीं नहीं ये अभी भी यही है, इसे तो मारना ही पड़ेगा। यो गाइस ये भी चला गया, इससे पहले कोई आए हम इसे ब्लॉक कर देते ताकि कोई ना आ पाए, और ऐश आने तक यहाँ पे हम छोटा सा बेस बना लेते हैं ताकि हम सेफ रह सके। और अपना सारा सामान यहीं पे चेस्ट पे रख देती हूँ, ताकि मैं भी अगर मर गई तो एटलीस्ट सामान तो हमारा सेफ रह सके। और ब्लेज को मार के हमें ब्लेज रॉड भी मिल चुका है, जो कि अच्छी बात है। चलो फटाफट से अपना सारा सामान इन चेस्ट में सेफ करके रख देती हूँ मैं। तो ऐश भी आ गया और हमने अपना आधा सामान वहीं रख दिया क्योंकि सेफ रह सके। और अब हम चल रहे बेशन ढूंढने। हम बेशन ढूंढ ही रहे थे तभी एक घास आई और उसने मुझे पुश कर दिया और मैं लावा में गिर गई, और ऐश ने तो गेम ही लीव कर दिया। बस हवा निकल गई, उसे जल्दी से इनवाइट कर लेती हूँ। अब वापस हमें नेदर में जाने के लिए फिर से प्रिपेयर होना पड़ेगा। गाइस ऐश लावा में गिर गया, यस ऐश ने जॉइन किया वैसे लावा में गिर गया। ऐश उसे भी घोष क्योंकि उसे भी घास ने फायर बॉल फेंक के मारी थी। एंड गाइस फिर से हम आ गए फोर्ट्रेस में, अपने काम की चीजें लेते और चलते बेशन ढूंढने। ये देखो गाइस, ये है नेदर का बेशन, ऐसा दिखता है, मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ। आशा करती हूँ कि अब मैं फिर से ना मरूं, क्योंकि हम बहुत दूर आ गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा लावा है गाइस, बहुत सेफली जाना पड़ेगा क्योंकि लावा बहुत खतरनाक होता है, मरते तो हो और सामान भी चला जाता है, बच के जाना पड़ेगा। ये सिंगल ब्लॉक से तो मुझे जाने में डर लगता है, इसलिए मैंने ये लगा दिया, लेकिन चलते हैं। एंड गाइस मुझे एक बात पता चली कि बेशन में एक और टाइप का मॉब रहता है जिसे
रूट कहते हैं। जैसे ऐश ऊपर गया उन्होंने ऐश को मार दिया, और जैसे मैं आई मेरा भी स्वागत उन्होंने बहुत अच्छे से किया। खैर फिर से प्रिपेयर होके हम किसी तरह बेशन में आ गए और यहाँ पे हमने एक छोटा सा बेस बना लिया ताकि सेफ रह सके। गाइस बेशन बहुत ज्यादा खराब जगह है, खतरनाक जगह है। जितनी बार भी हम आ रहे मर के जा ही रहे, कोई ना धीरे धीरे जाएंगे, इस बार नहीं मरना है कुछ भी हो जाए। एंड किसी तरह मेन जगह तक आ गए। इसके नीचे गाइस वो चेस्ट है जिसमें हमें स्मिथिंग टेम्पलेट मिल सकता है। हम धीरे धीरे करके नीचे जा ही रहे थे तभी ब्रूट्स ने फिर से हम पे हमला कर दिया। एंड किसी तरह मैं उनसे लड़ने का ट्राई कर रही थी लेकिन मैं नीचे गिर गई। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अब मुझे फिर से ट्रैवल करके बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। खैर गाइस लास्ट टाइम मैं जब बेशन तक गई थी तब मेरा खाना खत्म हो गया था, इसलिए जल्दी से मैं यहाँ से खाना कलेक्ट कर लेती हूँ। और ऐश अभी भी बेशन में है, उसके लिए भी खाना लेके जाऊंगी मैं। जल्दी से वीक कलेक्ट करके थोड़ा सा ब्रेड बना लेती हूँ। गाइस ऐश भी मर गया, अच्छा हो गया अब दोनों साथ में मिलके बेशन फिर से जाएंगे। ऐश मैं क्या बोलती हूँ, ये बेशन वेशन तक जाना अपने बस की बात नहीं है, ले सीड ले खेतीबाड़ी करते हैं। जस्ट किडिंग गाइस, जल्दी से अपना खाना तैयार करते और भी प्रिपेयर होते और फिर से चलते हैं बेशन, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और अब हम पूरी तरह से रेडी है बेशन में जाने के लिए, तो बिना किसी देरी के चलो जल्दी से चलते हैं बेशन में और करते हैं ब्रूट्स का खात्मा। एक बार फिर से हम आ गए अपने बेशन में और हमने कुछ ब्रूट्स को तो मार दिया है लेकिन फिर भी खतरा बरकरार है क्योंकि कोई भी मॉब्स कहीं से भी आ सकता है, इसलिए संभल के तो जाना ही पड़ेगा हमें फिर से। लेकिन हमने क्या किया, हमारा सारा इम्पोर्टेंट सामान इस चेस्ट में रख दिया है ताकि हम मर भी जाए तो सामान डिस्पॉन ना हो। इनका ये देखो यहाँ पे दो दो चेस्ट है, अगर हम इन्हें ओपन करेंगे तो यहाँ पे आसपास जो भी पिगलिंस है ट्रिगर हो जाएंगे, इसलिए इनको पहले मारना पड़ेगा। ऐश इन पिगलिंस को संभाल रहा है, तब तक मैं चेस्ट ओपन करके देख लेती हूँ कि इनमें क्या है। चेस्ट में कुछ ज्यादा खास सामान तो नहीं है क्योंकि आयरन तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है क्योंकि हमने फार्म बनाया, और बाकी की चीजें भी कुछ काम की नहीं है लेकिन फिर भी सारी चीजें हम ले लेते हैं। एंड इस चेस्ट में है एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट और एक गोल्डन एप्पल, तो ये ठीक है, पिछले वाले चेस्ट में तो कुछ अच्छा सामान मिला नहीं था। और इस चेस्ट में हमें मिली एक लूटिंग की सॉर्ड जो कि बहुत ज्यादा ऑसम है। यहाँ पे भी एक चेस्ट है लेकिन इसे ऐश ने ऑलरेडी लूट लिया है। चलो बढ़ते आगे। इसके बाद हम ऊपर गए गाइस जहाँ घास ने हम पे फिर से हमला कर दिया लेकिन किसी तरह हमने अपने आप को बचा लिया और मेरे बोन को लग ही नहीं रहे थे गाइस, और मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बची। लेकिन आई एम लकी कि मैं बच गई और ऐश भी बच गया, और इस जगह से अपनी जान बचा कर हम वापस चले आए नीचे। गाइस आप ये देख रहे हो नीचे कितना ज्यादा लावा है, एक गलती और हम सीधा लावा में। मुझे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना इसलिए मैंने सारी इम्पोर्टेंट चीजें फिर से चेस्ट में रख दी। एंड गाइस मैं भी यहाँ नीचे आ गई हूँ, चलते मेन ब्लॉक तक। ऐश लावा में गिर के मर गया, अभी मेन चेस्ट तक जाना बहुत रिस्की है गाइस। ऐश का आने का वेट करती हूँ फिर चलेंगे। एक तो एंडरमैन नेदर में भी परेशान करने को आ जाते हैं, ठीक है हम ऐश के आने का वेट करते हैं फिर चलेंगे। गाइस ऐश आ गया वापस बेशन में और वो भी विदाउट आर्मर, सिर्फ गोल्ड के बूट्स पहन के आया है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गई बार बार बेशन तक आने की, इसलिए वो बिना आर्मर के भी यहाँ तक आ गया इजीली। एंड गाइस बेशन के सारे मॉब्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं इसलिए अब हम इस जगह पे टेक ओवर कर सकते हैं, और शायद इसी चेस्ट में हमें मिल सकता है स्मिथिंग टेम्पलेट। ऐश को मैंने पिकैक्स दे दिए, ऐश गोल्ड के सारे ब्लॉक्स माइन कर लेगा और मैं खोलती हूँ इस चेस्ट को। यस फाइनली हमें मिल गया हमारा स्मिथिंग टेम्पलेट जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा पापड़ बेले गाइस, और हमें चार डायमंड्स भी मिल गए। मतलब ये है वैल्यूएबल लेकिन ये स्मिथिंग टेम्पलेट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए हमें बिना मरे बिना लावा में गिरे घर तक सेफली पहुंचना ही पड़ेगा। अब चलते हैं घर, लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा नेदर फोर्ट्रेस क्योंकि वहां पे भी हमारा कुछ सामान रखा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं पहले नेदर फोर्ट्रेस। हम इनसे काफी देर तक लड़े लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐश लड़ते लड़ते मर गया, तो फिर मुझे इन मॉब्स को संभालना पड़ा और मैंने काफी हद तक मॉब्स को मार भी दिया। ऐश का जितना भी सामान बिखरा हुआ था उसे मैं चेस्ट में रख रही थी तभी एक मॉब ने मुझे भी मार दिया, तो फिर हम फिर से नेदर में आए। अब तो हमें आदत ही हो गई नेदर में आने की बार बार। एंड फोर्ट्रेस में जाके हमने अपना सारा सामान ले लिया और आ गए अपने ओवरवर्ल्ड में, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नेदर से हमें कितनी सारी लूट मिली। तो ये देखो इतना सारा सामान हमें नेदर से मिला है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये स्मिथिंग टेम्पलेट जो कि हमें नेदरराइट का आर्मर बनाने में काम आएगा, तो अब बिना किसी देरी के चलते अपने नेदरराइट का आर्मर बनाने। तो आर्मर बनाने से पहले हमें स्मिथिंग टेम्पलेट्स को डबल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास एक ही है जिसके लिए हमें चाहिए डायमंड्स, तो जल्दी से स्मिथिंग टेम्पलेट्स को हम मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमारे पास जितने भी डायमंड्स हम सबको यूज कर लेंगे, और सारे डायमंड्स यूज करने के बाद भी हमारे पास सिर्फ 7 ही स्मिथिंग टेम्पलेट बने, तो और स्मिथिंग टेम्पलेट बनाने के लिए हमें और डायमंड्स की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा माइनिंग पे। तो चलो चलते हैं जल्दी से डायमंड माइन करके आते हैं। गाइस हमें जाना है डायमंड माइन करने, लेकिन देखो ऐश यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। ऐश चल जल्दी, ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो गई है, तूने मेरे बिल्ली को कैसे मारा, अब तो देख। एंड गाइस हम आ गए -58 में जहाँ पे डायमंड्स मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे करते हैं हम स्ट्रिप माइनिंग और कलेक्ट करते हैं डायमंड। हमें ऑलमोस्ट 60 डायमंड तक चाहिए होंगे ताकि हम स्मिथिंग टेम्पलेट्स को मैक्सिमाइज कर पाए।
10,000 years later. और गाइस हम फॉर्चून की पिकेक्स ले गए थे, इसलिए जल्दी से हमने अपने डायमंड की माइनिंग कंप्लीट करी और हम वापस घर आने लगे। नीत, ये वाला ब्लॉक देखो कैसा है। ये वाला ब्लॉक तो अलग है और वहाँ पे और एक अलग सा ब्लॉक लग रहा है ग्रीन भी। गाइस अब तक तो आप समझ भी गए होंगे कि हमें ट्रायल चैम्बर मिल गया। गाइस चलो चलो जल्दी ऊपर चल के देखते हैं ट्रायल चैम्बर है कि नहीं। अरे ये तो ट्रायल चैम्बर ही है, नीत जल्दी ऊपर आओ। नाइस नाइस, हमें यहाँ पे ट्रायल चैम्बर मिल चुका है गाइस, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल कि हम इसे एक्सप्लोर करें। तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए। ऐश यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चल घर चलते। हाँ चलो चलो। डायमंड माइन करके हम आ गए अपने घर। हमने काफी सारे डायमंड माइन किए थे तो इस बार तो हमें डायमंड की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली, इसलिए हमने अपने स्मिथिंग टेम्पलेट्स की संख्या को और बढ़ा लिया। हमने टोटल 16 स्मिथिंग टेम्पलेट्स बना लिए, 2 रख दिए क्योंकि शायद हमें फ्यूचर में कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमने 2 रख दिए। और बाकी जो 14 थे उनमें से 7 मैंने ऐश को दे दिए और 7 मेरे पास रख ली। और अब बारी है अपने लिए नेदरराइट का आर्मर बनाने की, सो लेट्स गो गाइस। तो इस तरह से हमें स्मिथिंग टेबल पे रखना एक स्मिथिंग टेम्पलेट, एक डायमंड आर्मर का पीस और एक नेदरराइट का इंगट, और अपना नेदरराइट का आर्मर बनके हो जाएगा रेडी। तो दोस्तों हमने अपने लिए बना लिया एक नेदरराइट का आर्मर एंड नाउ वी फील पावरफुल। सो गाइस बताओ हमारे नेदरराइट का आर्मर कैसा लग रहा है। इस आर्मर के लिए हमने बहुत ज्यादा पापड़ बेले गाइस, हम बहुत बार मरे नेदर में और बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ा, इसलिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी इस आर्मर को बनाने के लिए। सो ये वीडियो यहीं तक थी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर देना, मैं इम्प्रूव कर लूंगी गाइस, लेकिन लाइक करना भूलना मत। आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए, इसलिए जरूर लाइक करना, कमेंट भी कर देना। एंड शाउट आउट टू उस्मान वाईटी, थैंक्स फॉर डूइंग कमेंट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्प्रेड लव एंड पीस, टिल देन बाय।